कौमी खेलों के दिन पर क्रिकेट कोच लोन सुमैया ने खेल शायकीन को मुबारकबाद पेश की है। लोन सुमैया शोपियान से ताल्लुक रखती हैं, जो कि कौमी सतह की कोच है। इन्होंने 15 साल खेलों में रियासत की नुमाइंदगी की है। मैं क्रिकेट कोच लोन सुमैया आप सबको आज नेशनल स्पोर्ट्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और जैसे कि हम सबको पता है कि जो हॉकी के जो लेजेंड प्लेयर रह चुके हैं मेजर ध्यानचंद जी, जिन्होंने अपनी कंट्री को ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल्स दिए हैं 1928 में, 1932 में एंड 1936 में, और ये हमारे लिए काफ़ी प्राउड की बात है कि जिस तरीके से हमारे जो स्पोर्ट्स लेजेंडरी है वो हमारी कंट्री के लिए जो है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे मेडल्स जो है वो लाते हैं, और ये हमारे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है। और उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे हम ये 29 अगस्त जो है ये मनाया जाता है ऑल ओवर इंडिया के अंदर। तो और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी जम्मू कश्मीर की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को, जो कि स्पोर्ट्स को जिन्होंने ज़िंदा रखा है, चाहे वो गवर्नमेंट है या प्राइवेट है, और सभी कोचेस को भी इसका क्रेडिट जाता है, चाहे वो प्लेयर हो चाहे वो कोच हो। और डिपार्टमेंट, कोच और प्लेयर जो है ये तीनों जब साथ में काम करते हैं तभी जाके हम एक स्टेट के लिए, डिस्ट्रिक्ट के लिए या कंट्री के लिए जो है वो मेडल्स जीत के लाते हैं। तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। और हमारे लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि स्पोर्ट्स का जो है इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, या स्पोर्ट्स का जो है वो क्या पावर है हमारी लाइफ के अंदर। तो मुझे लगता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना चाहिए और स्पोर्ट्स को हमें बढ़ावा देना चाहिए, ताकि जो हमारी आज की जो जनरेशन है जो कि ड्रग्स में मुलव्वस होती है या पंगों में मुलव्वस होती है, और आप सब ने जिस तरीके से स्पोर्ट्स में अभी तक काम किया है, और कोशिश कीजिएगा कि आप आगे भी स्पोर्ट्स में ऐसे काम करते रहिए, ताकि जो हमारी जनरेशन, कमिंग जनरेशन है और जो करंट जनरेशन है जो कि गलत कामों में मुलव्वस है, वो कहीं ना कहीं से वहाँ से वापस आ जाए और स्पोर्ट्स में जो है हिस्सा ले। तो मेरी तरफ़ से आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएँ नेशनल स्पोर्ट्स डे की, और ऐसे ही स्पोर्ट्स में साथ देते रहे, स्पोर्ट्स खेलते रहे और अपनी कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाते रहे। थैंक यू सो मच।